हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। आज के दिन जन्मे जातकों को हमारी ओर से उनके जन्मदिन के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी प्रिय श्रोता गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, रोज की तरह आज भी आपके साथ चर्चा करेंगे दैनिक राशिफल को लेकर के, और दैनिक राशिफल से पहले पंचांग के विषय में भी आपको जानकारी देंगे। और ये पंचांग और दैनिक राशिफल ये दोनों ही दिनांक 27 अक्टूबर सन 2021 दिन बुधवार संवत 2078 का है। हिंदी का महीना जिसको हम कार्तिक माह कहते हैं वो चल रहा है, पक्ष कृष्ण पक्ष है, और तिथ है छठ जिसको हम षष्ठी कहते हैं। नक्षत्र आर्द्रा, योग सिद्ध, करण वणिज और राशि है मिथुन। चंद्रमा का पूरे दिन मिथुन राशि में ही संचार चलता रहेगा। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12:11 से लेकर दोपहर 1:36 तक, और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 11:47 से लेकर दोपहर 12:35 तक। और इस अभिजीत मुहूर्त के बताए हुए समय में आप अपना कोई भी शुभ कार्य जो करना चाहते हैं वो संपन्न कर सकते हैं निसंकोच। तो ये थी जानकारी प्रिय साथियों पंचांग के विषय में। अब आरंभ करते हैं चर्चा दैनिक राशिफल को लेकर के, और बताना चाहेंगे कि ये जो दैनिक राशिफल है पूर्ण रूप से वर्तमान में जो गोचर में ग्रहों की स्थिति है उसी पर ये आधारित है। आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी के एरीज साइन। तो बताना चाहेंगे प्रिय साथियों कि आज आपका मन काफी चंचल रहने वाला है, जिसके कारण आपको निर्णय लेने में थोड़ी परेशानी अवश्य आएगी। इस वजह से कोई भी महत्वपूर्ण कार्य भी आपके आज पूरे नहीं हो पाएंगे। जो आपके प्रतिस्पर्धी हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, उनका भी आपको सामना अच्छी तरह से करना पड़ेगा, लेकिन नए काम को करने की भी प्रेरणा वहीं से ही मिलेगी। आप किसी बौद्धिक या तार्किक, यानी कि कोई डिबेट आदि में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आज छोटी मोटी यात्रा भी आप कर सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी रहेगी। स्त्रियों के लिए विशेष रूप से कहना चाहेंगे कि उनको आज अपनी वाणी पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा उनके लिए परेशानी बन सकती है। साहित्य और लेखन राइटिंग के लिए अच्छा दिन है। जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए आज साहित्य और लेखन में काफी कुछ अच्छा वे कर पाएंगे अपनी तरफ से। उपाय क्या करना है? उपाय करना है, आर्थिक स्थिति को अगर बेहतर करना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं अपनी, तो उसके लिए रात में चूल्हे की आग को दूध से बुझाएं। शुभ रंग आपके लिए आज है आसमानी, और शुभ अंक आपके लिए है आज 6। वृषभ राशि यानी टॉरस साइन, आज आपको पूरी तरह से स्थिर होकर काम करने की हमारी ओर से विशेष सलाह, यानी कि फुल कंसंट्रेशन के साथ अपना कार्य करें, पूरा काम पे अपना फोकस करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ध्यान कहीं और है और आप काम कर रहे हैं और आप करते करते काम पर ध्यान कहीं आपका और चला जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपना नुकसान कर लेंगे किसी ना भी किसी रूप में। आज जिद करने के बजाय समाधानकारी रहेंगे तो बेहतर रहेगा, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग रहिए बजाय इसके प्रॉब्लम क्रिएटर बने, प्रॉब्लम सॉल्वर सॉल्विंग बनिए। प्रॉब्लम सॉल्व करने की आपकी इंटेंशन होनी चाहिए। यात्रा का भी कहीं ना कहीं कुछ कार्यक्रम बन सकता है। भाई बंधुओं के साथ प्रेम बना रहेगा और सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। जो कलाकार हैं या कारीगर हैं या राइटर्स हैं उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का भी आज भरपूर अवसर प्राप्त होगा। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, और जो आपके प्रतिस्पर्धी हैं यानी कि जो कंपटीटर्स हैं, जो आपके विरोधी हैं, उनको भी आज आप परास्त कर सकेंगे। उपाय क्या करें? उपाय करें, देखिए भ्रूण हत्या से बचें, गर्भपात आदि से, इससे आपको बचना होगा। गर्भवती स्त्री या जच्चा की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाने से
आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। शुभ रंग आपके लिए है संतरी और शुभ अंक आपके लिए है आज 9। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी साइन, आज का दिन आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से काफी लाभदायी सिद्ध होगा। शारीरिक और मानसिक रूप से भी आप काफी तरोताजा महसूस करेंगे और उसके अतिरिक्त आप काफी प्रसन्न रहेंगे, पूरे दिन प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहेंगे, स्वादिष्ट भोजन का भी आनंद लेंगे और अच्छे परिधान वस्त्र कपड़े आप पहनेंगे और अपनी साज सजावट पर भी अधिक ध्यान देंगे। सजने संवरने पर मित्र और आपके जो परिवारजन हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ भी आज काफी आनंद पूर्वक दिन आप बिताएंगे। उनके साथ मेल मुलाकात बहुत अच्छी रहेगी आपकी, उनकी तरफ से आपको कोई अच्छा कोई गिफ्ट भी मिल सकता है, उपहार भी मिल सकता है, इसकी भी संभावना बनती है। आर्थिक लाभ होने की भी पूरी पूरी संभावना है। आपके मन में आने वाले जो नकारात्मक विचार हैं उनको हम यहाँ पर आपको सलाह देना चाहते हैं कि उनको अपने माइंड में अपने दिमाग में बिल्कुल ना आने दें, क्योंकि अगर आपने नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में जगह दिया तो ये कहीं ना कहीं आप ही के लिए नुकसानदायक रहेगा। पॉजिटिव थिंकिंग रखिएगा। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है आज के दिन। उपाय आप क्या करें, नहाने के पानी में कुशा के टुकड़े डाल लें और उसको डाल करके तब स्नान करें तो आपका पारिवारिक जो जीवन है वो और अधिक बेहतर होगा, सुखों की वृद्धि होगी। शुभ रंग आपके लिए हरा, शुभ अंक आपके लिए बनता है आज 1। कर्क राशि यानी कि कैंसर साइन, आज आप अपने मन में थोड़ा सा हो सकता है कि भय, कहीं ना कहीं से कोई ऐसी फीलिंग्स आपके मन दिल और दिमाग में आए कि आपको कुछ भय लगे, कुछ डर लगे, आपको स्केयर्ड रहे आप कुछ चीजों को लेकर के, और इसी करके आपका जो मन है वो थोड़ा खिन्न रह सकता है, परेशान। परिवार में मतभेद होने से भी जो पारिवारिक वातावरण है वो भी तनावपूर्ण बनेगा। मन में कुछ और भी दुविधाएं बनेंगी और जिसके कारण आप मानसिक रूप से परेशान रहेंगे, लेकिन कुछ भी हो अपनी वाणी पर जरूर संयम बना करके रखिएगा, अन्यथा ये जो परिस्थितियां हैं जो हमने बताया अभी आपको, ये और ज्यादा बिगड़ सकती हैं। अपने स्वास्थ्य का भी पूरा पूरा ध्यान रखिएगा आज के दिन। आज आपके धन का भी कुछ अधिक खर्च होने की संभावना है और समाज में आपके मान सम्मान में कोई कमी ना हो इसका भी ध्यान रखें, सावधानी बरतें पूरी तरह। गलतफहमियां अगर कहीं हो गई हैं आपके कारण, आपकी बातों के कारण, आपके व्यवहार की वजह से, तो उसको दूर करने की कोशिश करें किसी भी तरह, जिससे कि बाद में आपको भी उससे मानसिक शांति मिलेगी। आज उपाय आपने क्या करना है, माता दुर्गा भवानी जी के मंदिर में जाकर के प्रसाद चढ़ाने से आपका जो पारिवारिक जीवन है या जो आपकी लव लाइफ है वो और बेहतर होगी, अच्छी तरह से चलेगी लाइफ। शुभ रंग आपके लिए है सफेद, शुभ अंक आपके लिए बनता है आज 8। सिंह राशि यानी कि लियो साइन, आज व्यापार में लाभ और इनकम में वृद्धि इसकी संभावना बन रही है। स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे, मित्रों के साथ भी कहीं रमणीय स्थल पर जाकर के आनंद उठाएंगे उसका। स्त्री मित्र जो हैं आपके वो आज आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित होंगे और अपने बच्चों के जो आपकी संतान है उससे भी कोई अच्छा समाचार मिल सकता है, और जब उससे अच्छा समाचार मिलेगा तो उससे भी काफी हद तक आपकी परेशानी जो है मेंटल बॉदरेशन वो दूर होगी। बुजुर्गों एवं बड़े भाई बहनों का भी पूरा प्यार और सहयोग प्राप्त होगा। कोई शुभ कार्य भी कर सकते हैं आज के दिन आप। वैवाहिक जीवन आपका पूरी तरह से बेहतर रहेगा तथा पत्नी का पूर्ण रूप से मिलेगा आपको सहयोग। नई वस्तुओं की खरीदारी के लिए भी दिन आज का काफी उत्तम है। उपाय क्या करें, किसी अच्छे व्यक्ति को जो ज्ञानी हो उसको पुस्तकें या कोई पढ़ने लिखने से संबंधित सामग्री अपनी तरफ से देना आपके आर्थिक
स्थिति को बेहतर करने के लिए सबसे उत्तम उपाय है। शुभ रंग आपके लिए आज है स्लेटी, शुभ अंक आपके लिए बनता है आज 7। कन्या राशि यानी कि विर्गो साइन, आज आपने नया काम करने की जो योजना बनाई हुई है पहले से, उसको आप पूरा कर पाएंगे सफलतापूर्वक। और जो व्यापारी वर्ग है या फिर चाहे वो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए भी आज का दिन काफी पॉजिटिव रहने वाला है, अनुकूल रहने वाला है। आज के दिन आपको लाभ की प्राप्ति किसी ना किसी प्रकार से होने वाली है, और जो रोजगार में है उनके उच्च पदाधिकारियों की कृपा दृष्टि उन पर पूरी तरह से बनी रहेगी, जिससे पदोन्नति होने के भी अवसर पैदा होंगे। पिता की ओर से भी आपको कोई ना कोई लाभ प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, पारिवारिक वातावरण भी काफी खुशनुमा रहेगा, उसका भी आप आनंद लेंगे आज, तथा पत्नी के साथ भी वक्त अच्छा निकालेंगे, अच्छा बीतेगा आपका। व्यवसायिक कार्य से कहीं आप यात्रा पर जा सकते हैं जो आपके लिए हितकर रहेगी, बेनिफिशियल रहेगी। उपाय क्या करना है, नौकरी या व्यापार में तरक्की अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए घर के कच्चे स्थान में तुलसी का पौधा एक अवश्य लगाइए। शुभ रंग आपके लिए है आज केसरी, शुभ अंक आपके लिए बनता है आज 6। तुला राशि यानी कि लिब्रा साइन, आज आप किसी नए काम की शुरुआत अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और जो बौद्धिक कार्य हैं और साहित्य लेखन में भी आप सक्रिय रहेंगे। तीर्थ आप मतलब यानी कि कोई धार्मिक यात्रा या तीर्थ यात्रा कुछ इस प्रकार का भी आपका योजना बन सकता है जाने का। विदेश में रहने वाले जो आपके मित्र हैं या जो आपके प्रियजन हैं उनसे भी आपकी मेल मुलाकात काफी अच्छी रहेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपके सहकर्मियों का सहयोग आज आपको किसी ना किसी कारण से नहीं मिल पाएगा। संतान की चिंता आपको सता सकती है। आज किसी भी चर्चा या वाद विवाद में आप ना उतरें, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय आपने करना है, अपने बेड के चारों कोनों में तांबे की कील छोटी छोटी जरूर लगवा लीजिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अति उत्तम उपाय है। शुभ रंग आपके लिए नीला, शुभ अंक आपके लिए है आज 4। वृश्चिक यानी के स्कॉर्पियो साइन, आज अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान बहुत विशेष रूप से रखना होगा, क्योंकि कफ या सांस या पेट से संबंधित कोई भी इस तरीके की परेशानी से आप जूझ सकते हैं, आज जूझना पड़ सकता है आपको। और शारीरिक और मानसिक रूप से भी दिन आपके लिए अच्छा नहीं है, स्वस्थ रहने की मतलब स्वस्थ रहने की संभावना बहुत कम है। क्रोध पर भी अपने नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी अनैतिक काम या सरकारी विरोधी कार्यों से दूर रहना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अगर आप दूर रहते हैं, अन्यथा आप किसी ना किसी परेशानी में फंस सकते हैं। और पानी से भी दूरी बना करके रखिए, अगर आप तालाब नदी नहर आदि में स्नान करते हैं जाते हैं तो आज ये अपना कार्यक्रम टाल दीजिए, क्योंकि आज के दिन अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो दुर्घटना होने की भी संभावना है। आज आपके धन का खर्च भी कुछ अधिक मात्रा में हो सकता है। उपाय क्या करना है, हरे रंग के वस्त्र अगर अधिक पहनेंगे तो उससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। शुभ रंग आपके लिए है आज पीला, शुभ अंक आपके लिए बनता है आज 9। धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस साइन, तो कहना चाहेंगे आपसे कि आज का दिन आपके लिए सुख शांति लेकर के आ रहा है, और ये आप पूरा दिन आनंद से व्यतीत करेंगे, उसका पूरा आनंद लेंगे दिन का। मित्रों के साथ भी आपका समय अच्छा व्यतीत होगा, स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे और अच्छे नए वस्त्र धारण करेंगे, अपने सजने संवरने पर भी अधिक ध्यान देंगे, और विपरीत लिंगीय व्यक्तियों की ओर भी आपका आकर्षण आज कुछ अधिक ही रहने वाला है, और उनके साथ की जो मेल मुलाकात है वो आपको काफी और यानी कि अधिक रोमांटिक बना सकती है। आज आपके विचार स्थिर नहीं रहने वाले। भागीदारी में अगर कोई काम करते हैं किसी के साथ आज के दिन तो उसका लाभ आपको मिलने वाला है। सार्वजनिक जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति करेंगे, उत्तम वैवाहिक सुख का भी आनंद लेंगे।
उपाय आपके लिए बनता है, गंगा जल का सेवन करें। अगर ऐसा करेंगे तो हेल्थ के लिए, आपकी स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही शुभ उपाय है। शुभ रंग आपके लिए बनता है आज गुलाबी और शुभ अंक आपके लिए है आज 5। मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन, आज आपका स्वास्थ्य साथियों काफी अच्छा रहने वाला है। यश कीर्ति की प्राप्ति है आपके कार्यों के कारण और आपके व्यवहार के कारण, उसका आप पूरा आनंद लेंगे। परिवारजनों के साथ भी आनंद पूर्वक समय आपका व्यतीत होने वाला है आज, और व्यापार को बढ़ाने के लिए भी दिन आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाला है, ऐसा ग्रहों की ओर से संकेत मिल रहा है। धन लाभ के भी योग बने हुए हैं, जो आपके साथ काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका पूरा सहयोग प्राप्त करेंगे आज के दिन आप, और जो आपके विरोधी हैं, प्रतिस्पर्धी हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको भी आप पराजित आसानी से करेंगे। कानूनी मामलों में आज दखल बिल्कुल ना दें। अगर कोई कानूनी मसला आपका चल रहा है तो आज के दिन हो सके तो उसको टाल दीजिए, जहां तक हो सके उसमें आज कोई कार्यवाही आप ना ही करें तो अच्छा है। उपाय आपके लिए बनता है पारिवारिक जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए, घर में कभी भी अपने कवाड़ कूड़ा कचड़ा ये इकट्ठा ना होने दें। शुभ रंग आपके लिए है भूरा, शुभ अंक आपके लिए बनता है 3। कुंभ राशि यानी एक्वेरियस साइन, आज का दिन थोड़ा सा आपको परेशान रखेगा मानसिक तौर पे, और वैचारिक रूप से भी थोड़ा व्याकुल जैसा मैं कह रहा हूं रहेंगे। इसी कारण से कोई बड़ा निर्णय लेने में भी आज आपको मुश्किल आ सकती है। इसीलिए हम आपको यहां पर यह सुझाव देना चाहते हैं कि आज के दिन अगर हो सकता है तो आप कोई बड़ा निर्णय ना लें, उसको टाल दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर किसी यात्रा का भी आपका कोई योजना बन रहा है आज यात्रा पर जाने का, तो उसको भी टाल दीजिए, क्योंकि उसमें भी आपको कोई ना कोई परेशानी उठानी पड़ सकती है। और जो पहले से आपने प्लान किए हुए हैं अपने कुछ काम करने के लिए, वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे किसी ना किसी कारण, उससे भी आपको काफी निराशा होने वाली है। इसके कारण आपका मन भी थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रहेगा माइंड। पेट से संबंधित वायु विकार जैसी चीजें भी आज आपको परेशान कर सकती हैं, और संतान की ओर से भी किसी ना किसी बात को लेकर के, चाहे उनकी पढ़ाई को लेकर, चाहे उनकी हेल्थ को लेकर के कोई ना कोई इशू बना रहेगा, उसको लेकर के भी थोड़ी टेंशन आपके लिए रहेगी। आज के दिन उपाय क्या करना है? उपाय ये करना है कि आप हरे रंग का वाहन का प्रयोग अगर करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुभ रंग आपके लिए ग्रे है, शुभ अंक आपके लिए होता है 2। मीन राशि यानी कि पाइसेस साइन, तो बताना चाहेंगे प्रिय साथियों के आज के दिन आपके अंदर एनर्जी लेवल आपका काफी लो रहेगा, नीचे रहेगा, आलस्य रहेगा आपके शरीर में, और तरोताजगी भी कम रहेगी, उसका भी अभाव रहेगा, कमी रहेगी। मां के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंतित रह सकते हैं। आपके जो रिलेटिव्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी किसी ना किसी के साथ किसी ना किसी बात को लेकर के कुछ मतभेद हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकता है, इसको लेकर के रहना होगा आपको सावधान। कई परेशानियां तथा विरोधी परिस्थितियों के कारण आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ सकता है। किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट को साइन आदि करने में जल्दबाजी ना करें, पूरी अच्छी तरीके से उसको पढ़ लें, समझ लें, तब आगे कुछ कार्यवाही करें। ऐसी परिस्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं जो आपके मान हानि का कारण बन जाए, मतलब आज जो ग्रहों की स्थिति है वो आपके अनुकूल नहीं जा रही है, वो आपके अगेंस्ट है। तो इसलिए यहां पर आप बार बार आपको यही सुझाव देना चाहते हैं कि आज के दिन आप मीन राशि के जो जातक हैं, हर क्षेत्र में कार्यवाही करने में जो कार्य करेंगे आप, एक्शन लेंगे, उसमें जल्दबाजी ना करें, हर चीज को बहुत सोच के समझ करके तभी कोई एक्शन लें। स्त्री तथा पानी से सावधान रहें, फीमेल से दूरी बना करके रखें। पानी अगर आप कहीं बाहर
नहाने का प्रोग्राम बना रहे हैं, नदी नहर या किसी तालाब, तो वहां से दूरी बना करके रखें, वहां भी ना जाएं, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। उपाय आपके लिए बनता है, आज आप अपने प्रेमी या प्रेमिका से मिलते समय उन्हें पीले फूल अगर देंगे तो इससे आपके प्रेम संबंध और आगे की दिशा में मजबूती से चलेंगे। शुभ रंग आपके लिए मैरून और शुभ अंक आपके लिए है 7। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, उनका दैनिक राशिफल दिनांक 27 अक्टूबर सन 2021 दिन बुधवार का। लेकिन अब अंत में समय आ गया है कि हम अपनी वाणी को यहां पर विराम दें और अपने सभी प्रिय श्रोतागणों से इजाजत लें। तो इसी के साथ मेरे प्रिय साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।